नवा वेरियंट JN.1 ना सौथी वधारे केस गुजरात में नोंधाया छे। 26 डिसेम्बर सुधी गुजरात में JN.1 ना 36 केस नोंधाया, कर्नाटक में 34, जयरे गोवा में 14 केस नोंधाया छे। महाराष्ट्र में 9, केरल में 6 ने राजस्थान में 4 केस सामे आव्या, तमिलनाडु में पण 4 ने तेलंगाणा में JN.1 ना 2 केस सामे आव्या छे। त्यारे स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना ना आंकड़ा नी जानकारी आपी छे। अजय यादव हमारी साथे फोनलाइन पर जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो अलग अलग राज्य में फैल रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने देने वाली बात यह है कि गुजरात में सबसे ज्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। आरोग्य मंत्रालय द्वारा क्या सूचन किया गया है, कौन सी आंकड़ा की माहिती दी गई है? देखिए, निश्चित तौर पे कल तक गुजरात इस लिस्ट में आगे नहीं था, लेकिन जैसे जैसे JN सब वेरिएंट के केस आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई सारे राज्यों में इस JN सब वेरिएंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत केरल से हुई थी, लेकिन अब गुजरात इसमें सबसे नंबर एक पे आ चुका है। कह सकते सबसे अधिक केसेस जो है वो गुजरात में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। कुल 36 केसेस जो है JN सब वेरिएंट के गुजरात में आ चुके हैं, जबकि कर्नाटक में 34 केसेस आ चुके हैं, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2। तो एक तरह से कह सकते हैं कि JN सब वेरिएंट का अब सबसे अधिक मामला जो है 26 तारीख तक का जो आंकड़े आए हैं उसमें गुजरात में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और खास बात यह है कि ये जो वेरिएंट है इसको लेकर के जितनी तेजी से ये पैर पसार रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगर इसी तरह से ये बढ़ता रहा तो भारत के अधिकतर हिस्सों को ये कवर कर लेगा। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इस सब को लेकर के मीटिंग भी की गई है, तमाम सारी एडवाइजरी जारी की गई है, राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और जीनोम सिक्वेंसिंग का जो डेटा है सेंटर से साझा करने के लिए कहा गया है। लेकिन फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो JN सब वेरिएंट का सबसे अधिक जो मामला है वो फिलहाल गुजरात में दर्ज किया गया है। कुल 36 मामले गुजरात में आए हैं। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।